ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे प्राचीन गुप्त मोहिनी मंत्र की जिससे कि किसी को भी पल भर में प्राप्त किया जा सकता है। यह मंत्र इतना प्राचीन है कि इसकी आज तक मुझे डेट नहीं मिली कि ये महाभारत काल से पहले का है या इसके बाद का है, लेकिन इतना मानिए कि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था उस समय का ये मंत्र है। ये तब बना था जब माँ पार्वती को भोलेनाथ श्रीनगर में श्री विद्या का ज्ञान दे रहे थे। उस तंत्र में से ये मंत्र निकल कर आया है और इसकी अधिक जानकारी तो भोलेनाथ ही दे सकते हैं, लेकिन जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस मंत्र से सर्वजन का वशीकरण होता है, अर्थात जितने भी लोग होंगे इस धरा पर उन सब का वशीकरण इससे किया जा सकता है। बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही पावरफुल मंत्र है जो कि पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है। अब कई लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं गुरुजी हमारा मंत्र काम नहीं कर रहा, तो उसमें जो है मंत्र की गलती नहीं होती, उसमें जो साधन है उसकी गलती होती है। आप किस तरह से कर रहे हैं, आप शुद्ध हैं, स्वच्छ हैं या नहीं हैं, आपने सिद्धि की है या नहीं की है, पहली बार कर रहे हैं, कोई त्रुटि हो जाती है, तो ऐसे में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन यदि सभी मापदंडों पर आप खरे उतरते हैं और उसके बाद इस मंत्र को करते हैं तो इस धरा पर ऐसा कोई प्राणी ही नहीं जिस पर कि ये मंत्र काम ना करे। लाखों लोगों पर आजमाने के बाद मैं आपको ये मंत्र दे रहा हूँ और जो मेरी नई पुस्तक है मोहिनी मंत्र के चमत्कार, उसमें ये मंत्र तीसरे नंबर पर है। आप इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं मात्र 1100 में, kaliavidya.com पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। इस मंत्र को कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग में ना लाएं। अभी मेरे पास इंग्लैंड से एक क्लाइंट आया था तो बता रहा था कि कोई तीसरा जो बंदा है वो बीच में आ गया है, तो क्या मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ। तो जब कभी ऐसा हो, जब आपका कर्म खराब ना हो रहा हो, जब जैसे आप पाप के भोगी ना हो रहे हो, उस समय पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर किसी से ज़बरदस्ती इस मंत्र का प्रयोग कराएंगे तो वो पाप की श्रेणी में आ जाता है। किसी का अनिष्ट ना हो और उस समय पर यदि आप अपने बचाव के लिए कर रहे हो तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस मंत्र को पूर्वमुखी होकर 1008 की संख्या में आपको आहुतियां देनी है। इसमें जो सामग्री लगेगी वो लिख लीजिए। इसमें 108 इलायची, हवन सामग्री, घी, जौ और कपूर वो वाला जो पैराफिन नहीं होती, जिसमें शुद्ध कपूर उसको लीजिएगा, और शहद और आपके कनेर के फूल, इन सारी सामग्रियों को एकत्रित करके इसका एक मिश्रण बना लीजिए। और इस मंत्र के साथ आपको ये आहुतियाँ देनी है। आहुतियाँ आपकी होंगी जो पहली छोटी उंगली होती है उसको छोड़कर, जो दो उंगलियाँ होती हैं उनसे और अंगूठे से आपको इसकी आहुतियाँ देनी है। और आपका जो हाथ है वो आप किसी पंडित से पूछिए किस तरह से हवन करते हैं तो वो आपको बता देगा, ठीक उसी प्रकार से आपको ये करना है। इसके बाद जब आपका हवन पूरा हो जाए, इसमें जो 108 आहुतियाँ होंगी उसमें जब स्वाहा आएगा मंत्र में, उस स्वाहा जब हो तभी उसको डालना है। बिल्कुल भली प्रकार से यदि आप करते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और इसके बाद ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है इस जगत में जो कि इसके प्रभाव से बच सके। आदमी गोली से बच सकता है लेकिन इस मंत्र से बचना नामुमकिन है, इसलिए इस मंत्र को हमेशा सावधानी पूर्वक प्रयोग में लाएं। चलिए तो मंत्र बता देता हूँ। मंत्र जो है बड़ा ही सरल है, इसे कोई भी कर सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इस मंत्र को कंठस्थ कर लेना है। कंठस्थ करने के बाद ही इसका प्रयोग करें, क्योंकि अगर उस समय पर त्रुटि हुई
तो ये जो साधना है आपकी विफल हो जाएगी। 11 दिनों की साधना है, 11 दिन तक आपको ये करना है। मंत्र सुन लीजिए, ओम नमो भगवते रुद्राय सर्वजन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। जहाँ पे स्वाहा है वहाँ पर आपको वो आहुति जो है वो दे देनी है। आपका जो आपने सामान बनाया था, जो हवन सामग्री बनाई थी, जो मिश्रण आपने बनाया था, उसको अपने हाथ से पकड़कर डाल दीजिएगा। तो ऐसा आपको 108 बार करना है। और इलायची जो होगी, इलायची अलग से आपको रखनी है। इलायची जो है एक जगह पर 108 इलायची अलग से रख लीजिए। जैसे जैसे आप वो उठाएं, उसमें एक इलायची रखते जाएं और इसका हवन करते जाएं। और साथ में आपको कनेर के फूल भी लेने हैं, 108 कनेर के फूल। और ये आपको करना है 11 दिनों तक। 11 दिनों तक यदि आप ये कर लेते हैं तो समझिए आपके भंडार भर जाएंगे। सिर्फ वशीकरण का काम नहीं करेगा, ये भोलेनाथ को आप पर प्रसन्न कर देगा। मंत्र सुन लीजिए, ओम नमो भगवते रुद्राय सर्वजन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का गुम्फन करना है आपने। लेकिन इस साधना को प्रारंभ करने से पहले आपको सात्विक होना पड़ेगा। सात्विक होने के लिए आपको किसी भी तरह का, यदि आप मादक पदार्थ सेवन करते हैं, जिस तरह बीड़ी गुटखा सिगरेट शराब इत्यादि, तो इसको एक महीने पहले ही छोड़ दें और इसके बाद कभी हाथ न लगाएं। तब ये मंत्र जो है आप इसका उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही पवित्र मंत्र है। हर कोई इसका उच्चारण नहीं कर पाता। यदि मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको किसी भी तरह की दुविधा हो, किसी भी तरह का कोई क्लेश आ जाए, या फिर कुछ भी ऐसी दुर्घटना हो जाए जो कि आप ऐसा समझते हैं कि संभवतः ये इससे हुआ होगा, तो इस मंत्र को मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपके जो कर्म हैं उन कर्मों में ये चीज़ नहीं है, इसलिए आप जो है इस मंत्र को नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सब कुछ एकदम व्यवस्थित रूप से हो जाए, बिल्कुल शांत रूप से हो जाए, तो इसको अवश्य प्रयोग में लाइएगा। सबसे पहले एक महीने पहले सात्विक हो जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए, मांस मछली मीट अंडा जो भी आप खाते हो। अगर आप नहीं खाते तो बहुत बढ़िया बात है, इससे पहले आपको सात्विक होना पड़ेगा। इसके बाद इस मंत्र का गुम्फन जो है आपको करना है। जितने अधिक आप गुम्फन करेंगे उतना ही अधिक ये प्रबल होगा, लेकिन आपको ये कंठस्थ करना है। हवन कुंड के पास जाने से पहले ही आपको ये कंठस्थ हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको रोज़ 11 दिनों तक 108 की संख्या में जाप करना है। अभी जो समय चल रहा है वो सावन का है, तो इसमें जो है ये अपनी शक्ति प्रबल, इसकी शक्ति जो प्रबल है, यदि इस समय पर आप ये करना शुरू करते हैं तो ये बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र काम कर देगा। एक दो दिन में ही आपको इसका असर दिख जाएगा। आपको जो आसन है वो लेना है लाल रंग का। आपका जो मुख होगा वो होगा सूर्य की तरफ। और जब इसका प्रारंभ करें तो एक दीपक जलाएं, अग्निदेव को जो है आह्वान दें। जब अग्निदेव आपके मंडप में आ जाएं तो उनसे प्रार्थना करें, आग्रह करें कि ये जो आप अनुष्ठान कर रहे हैं इसमें आपको सफलता दें। और इसके बाद जो है अपने ग्राम देवता को कुछ मिठाई चढ़ाएं, कुछ अपने इष्ट देवता को चढ़ाएं, उन सबसे आग्रह करने के बाद इस साधना का प्रारंभ करें। और जब आपकी ये 108 की संख्या पूरी हो जाए तो कई लोग क्या करते हैं कि वो जो दिया रखा हो तो उसको बुझा देते हैं। वो बुझाना नहीं है आपको, जब तक वो जले तब तक वहीं बैठे रहिएगा। यदि आप वहाँ नहीं बैठ सकते तो कम से कम दीपक तो जलते रहना चाहिए। अपने आप बुझ जाता है वो अलग बात है, लेकिन आपको अपने हाथों से वो नहीं बुझाना है। इससे जो है ये आपका हवन जो है वो खंडित हो जाता है। और कई लोग जो हैं वो जो हवन कुंड होता है वो ऐसे ही बना लेते हैं, तो हवन कुंड की भी बनाने की अपनी एक प्रक्रिया होती है। पहले वो जानिएगा, उसी प्रकार से भली प्रकार से आपको बनाना है, किस तरफ से आपको बैठना है, किस तरफ मुख करना है, वो सब कुछ हवन कुंड आपका जो है डिसाइड करेगा। कभी भी ऐसे ही कोई छोटा सा हवन कुंड बनाकर आप मत कीजिएगा, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होगा। जो सिद्ध हवन कुंड होते हैं, किसी मंदिर में जाइए, वहाँ पर आपको सिद्ध हवन कुंड मिल जाएंगे, जो कि वैदिक काल की जो हमारी परंपरा रही है उससे उसी तरह से वो बने हुए हैं। और आप घर पे भी ऐसा बनवा सकते हैं यदि आप बहुत साधना में अग्रसर होना चाहते हैं तो, या फिर घर पर इसको मत कीजिएगा, किसी मंदिर में जाके कीजिएगा, तो शीघ्र अतिशीघ्र आपको इसके असर दिख जाएंगे। यदि कहीं पर कोई त्रुटि हुई हो, कुछ समझ में ना आया हो और आप जानना चाहते हैं तो कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर। यदि आप मेल करना चाहते हैं तो मेल कीजिएगा info@mohiniwidya.com पर। आपको 24 घंटे के भीतर भीतर इसका समाधान दे दिया जाएगा। आप लाइक कमेंट फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।